हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिए गए हैं, एक सीरीज दी गई है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किसका, आपके पास कौन सा नंबर आएगा। पहला नंबर आपको दिया गया है 5, नेक्स्ट नंबर आपके पास दिया गया है 15, नेक्स्ट आपके पास 28 और नेक्स्ट आपके पास दिया गया है 53 दिया गया है। और आपको बताना है कि इसका आंसर आपके पास कौन से ऑप्शन के इक्वल होगा, जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है 96, ऑप्शन बी दिया गया आपको 102, ऑप्शन सी दिया गया आपके पास 100 और ऑप्शन डी दिया गया आपके पास 98 दिया गया है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी गई है और आपको बताना है कि यहाँ पे जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आएगा। अगर हम फर्स्ट नंबर ले जो की आपका दिया गया 8, उसी तरह अगर हम सेकंड नंबर को निकालने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको करना है 8 × 2 जिसका सम आपका इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा और 16 माइनस करना है आपको 1 जो कि आपका इक्वल होगा 15 के इक्वल होगा। 15 आपको दिख रहा है सेकंड नंबर दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है नेक्स्ट और 15 × 2 और उसमें आपको माइनस कर देना है 2 को माइनस कर देना है 15 × 2 जिसका सम आपका इक्वल होगा 30 के इक्वल होगा। 30 − 2 जो कि आपका इक्वल होगा 28 के इक्वल होगा और 28 आपको नेक्स्ट नंबर दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि आपको लेना है नेक्स्ट नंबर जो कि आपका 28 और 28 मल्टीप्लाई करना है आपको 2 और उसमें आपको माइनस करना है 3 को माइनस करना है 28 × 2 जिसका सम आपका इक्वल होगा 56 के इक्वल होगा और उसमें आपको माइनस करना है 3 को माइनस करना है 56 − 3 जिसका सम आपका इक्वल होगा 53 के इक्वल होगा और 53 आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह लास्ट नंबर निकालने के लिए भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि आपको लेना है 53 को और उसे मल्टीप्लाई करना है 2 से और आपको माइनस करना है, इसमें आपको माइनस करना है 4 को और लास्ट टाइम आपने माइनस किया था 3 को माइनस किया था, यानी कि आपको यहाँ पे माइनस करना है 4 को 53 × 2 जिसका सम आपका इक्वल होगा 106 के इक्वल होगा और उसमें आपको माइनस करना है 4 को माइनस करना है 106 − 4 जिसका सम आपका इक्वल होगा 102 के इक्वल होगा और 102 आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास होगा ऑप्शन बी 102 होगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।